गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। तो मैं शेयर करने वाली हूँ आज अपना फुल डे विद किड्स, कैसे मेरा सारा दिन जाता है बच्चों के साथ और क्या क्या मैं करती हूँ और सारा कुछ जो भी एक फुल डे में होता है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और बच्चे अभी उठे हैं, वो रूम में है। What's going on? No, 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 no. Why? तो यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है साथ साथ में फोन। तो यहाँ पे अब सर्दियाँ आ गई है तो मैं बच्चों को एकदम से बाहर नहीं निकालती हूँ लाइक रूम में से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले रूम सेट कर लूँ, फिर इनको नहा धुला के फिर आराम से बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहाने के लिए शावर में डाल दिया है तो वो अपने आप थोड़ी देर के लिए मस्ती में नहाते रहते हैं। मीनवाइल मैं जो भी रूम की सेटिंग करनी है, बेड मेक करना है और जो भी खिलारे पड़े होते हैं वो सब उठा लेती हूँ। रूम सेट हो चुका है और मैंने बच्चों के क्लोथ्स भी निकाल दिए हैं जो कि उनके नहाने के बाद मैंने डालने हैं। और यहाँ पे मंकीज़ पूरा अच्छे से नहा के आ गए हैं तो बस अब इनको ड्राई कर रही हूँ। युवान तो अपने क्लोथ्स काफ़ी अपने आप डाल लेता है पर फिर भी बीच बीच में उसकी हेल्प ही चाहिए होती है। वो स्पाइडर है। वो कौन था? तो बस यहाँ पे मैं युवान को उसका सीरियल मिल्क दे रही हूँ और विवो को दूध पहले ही पिला दिया था मैंने तो वो अभी ब्रेकफास्ट में सिर्फ चिप्स खा रहा है। उसको भूख नहीं है, बस उसको दिख गए हैं तो वो खा रहा है। और मीनवाइल बच्चे अपना यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं युवान। और जो भी नाइट की बच्चों की बॉटल्स होती हैं या जो भी ड्रिंक की कोई भी चीज़ जो नाइट के बर्तन होते हैं वो रह जाते हैं, उनको मैं इस टाइम पे क्लीन करके रख देती हूँ। और किचन में जो भी इधर उधर कुछ भी पड़ा होता है, हाउएवर मैं रात को ये मेरी रूटीन है कि किचन बिल्कुल टाइडी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड करके मैं सोती हूँ। और मीनवाइल यहाँ पे ये जो सारी डिशेस हैं ये मेरी हो जाएंगी और बस साथ के साथ बस ये डिशेस डन होने के बाद मैं सिंक एरिया भी पूरा अच्छे से क्लीन करके उसको ड्राई करके रख दूँगी। और बस यहाँ पे अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और बस मैं जब घर पे ही होती हूँ तो बस अपना ये एक फेशियल ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर टेकिंग शावर और बस इसको मैं अच्छे से अपने लगा लूँगी फेस पे। और बस मैं एक लिप ग्लॉस लगाती हूँ और अपने हेयर कॉम करके बस यही मेरी एक रूटीन है मॉर्निंग की जो कि अपनी सेल्फ केयर के लिए मैं करती हूँ स्किन केयर। यहाँ पे मंदिर आ गई हूँ अपने घर के और बस थोड़ी देर यहाँ पे मैं जोत जला के भगवान जी को एक बारी सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोल के बच्चों के साथ उनको, जब भी बच्चे घर पे होते हैं मैं मोस्टली हमेशा उनको साथ रखती हूँ, उनको बोलती हूँ कि जय जय टाइम है। तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है मंदिर में मेरे साथ पूजा करना। और युवान बस आजकल थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसको कफ कोल्ड हुआ हुआ है क्योंकि मौसम चेंज है यहाँ पे, इसलिए वो घर पे है। तो वीकडेज में नहीं तो उसका तो मंडे टू फ्राइडे स्कूल होता है। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा भी फिनिश हो गई है और अब है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट पे मैं बस जो हमारी रात की पनीर की भुर्जी बची हुई थी मैंने उसी का एक सैंडविच बना लिया है और बस ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और चीज़ डाल के मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। बस तवे पर ही इसको थोड़ा सा सेक लूँगी दोनों साइड से। तो मोस्टली जो भी लेफ़्ट ओवर रात की चीज़ होती है मैं उसी का ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, या फिर अगर मुझे स्पेशल कुछ बनाना है तो मैं एक स्पेशल कोई सैंडविच बना लूँगी या पोहा कभी बना लूँगी क्योंकि एक अपने लिए पता नहीं मेरा मन नहीं करता है स्पेशल कुक करने के लिए। सैटरडे संडे पारुल घर पे होते हैं तो ब्रेकफास्ट अच्छा अच्छा बनता है और बच्चे क्योंकि नॉर्मली ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं, उनका सेट ब्रेकफास्ट है या तो वो एग खाएंगे या वो सीरियल मिल्क खाएंगे। तो बस अपने लिए मैं जो भी लेफ़्ट ओवर या कुछ भी सिंपल बस बना के अपनी कॉफ़ी के साथ, चाय की मैं इतनी फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ तो बस यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी के साथ मैं अपना सैंडविच इन्जॉय कर रही हूँ और युवान
अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठे हैं अभी तक महाराज जी, और उनकी भी हेल्प करूंगी उसको उसका ब्रेकफास्ट फिनिश कराने में। तो नेक्स्ट अब मेरा और युवान का ब्रेकफास्ट हो गया है, तो मैं वीवू के लिए यहाँ पे एक सूजी की एक नमकीन, आप इसको हलवा बोल लीजिए, बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टीदिंग पे है इस टाइम पे, तो वो सॉफ्ट और जिनको ज़्यादा बाइट ना करना पड़े वो चीज़ें प्रेफर करता है। तो मैंने यहाँ पे सूजी थोड़ी सी भून ली है घी में, बस एक टीस्पून ही सूजी ली है, और उसमें मैंने बारीक ग्रेट करके यहाँ पे कैरेट डाल दी है थोड़ी सी, जैसे ही हमारी सूजी थोड़ी सी भुनी है उसके बाद, और सूजी को कैरेट के साथ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम अनदर 2 to 3 minutes के लिए फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल के इसको 1-2 minutes के लिए और स्टर करने के बाद बस मैं यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो ये छोटे बेबीज़ जो कि 8-9 months के बेबीज़ होते हैं उनके लिए परफेक्ट चीज़ है खाने के लिए, बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशियस सूजी, बहुत अच्छी रहती है, और आप इसमें कैरेट, जुकीनी, कोई भी ऐसी वेजी जो क्विकली कुक हो जाती है उसको ऐड कर सकते हो। तो इसको बच्चों को आप योगर्ट के साथ सर्व कीजिए, उनको बहुत अच्छी लगती है ये चीज़, और होममेड योगर्ट और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना यमी लगता है, मेरे को खुद को बहुत स्वाद लगती है। और इसको घी में कुक कीजिए, जो भी टीदिंग पे हैं बच्चे, या फिर एनी टाइम, दिस इज़ ग्रेट रेसिपी फॉर ब्रेकफेस्ट। ब्रेकफास्ट का काम फिनिश हो चुका है, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है यहाँ पे, और जो भी डिशेस मैंने की थी उनको मैं ड्राइंग मैट पे डाल रही हूँ थोड़ा और ड्राई होने के लिए, और मीनवाइल बस डिशवॉशर में भी जो डिशेस हैं उनको भी मैं लोड कर दूँगी। और बस यहाँ पे वही चीज़ है कि आप साथ के साथ काम करते रहिए, और अगर थोड़े बहुत भी डिशेस हैं उनको साथ के साथ जो करने वाले हैं उनको कर दीजिए, और जो डिशवॉशर में डालने वाले हैं उनको डाल दीजिए। तो बस वही मेरी एक एडवाइस है, टिप है आपको, कि आप अगर साथ के साथ काम करते रहेंगे, इट हार्डली टेक 2 minutes, तो उसको साथ के साथ कर दीजिए, आपको बाद में ये फील नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे वो काम करना है, और उस चीज़ में आप लेज़ी भी नहीं फील करोगे बिल्कुल भी। तो ये था विंटर का अब तक का कोल्डेस्ट डे, पूरा दिन उस दिन बारिश होती रही है, और इतना ब्यूटीफुल वेदर रहा है, हाउएवर सुपर कोल्ड था। अगर आप बाहर जाओ तो फेस पे ऐसी कोल्ड विंड आती है जैसे पता नहीं आप फ्रीज़र खोल के सामने खड़े हो। तो वीवू यहाँ पे रेन को देख के बहुत खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है रेन को। हाँ, तो बस मैं अभी सारे घर के काम करके अभी आराम से आके बैठी हूँ 5 minutes के लिए, जो मेरे मॉर्निंग रूटीन के काम होते हैं वो मैंने फिनिश कर लिए हैं। जो बाथरूम क्लीनिंग या जो भी ऐसी चीज़ें क्लीनिंग की या डिश वॉशिंग की, वो सब मैं बिना बिफोर टेकिंग शावर वो सब कर लेती हूँ, और जो आफ्टर लाइक वैक्यूम हो गया या कभी कपड़े फोल्ड करने हैं या किचन के और थोड़े बहुत काम, वो आफ्टर शावर भी हो सकते हैं। आपका एक स्केड्यूल बना होता है तो उससे भी आपके सारे काम टाइम पे फिनिश हो ही जाते हैं। बस मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली थी कि आई होप आप सब सेफ हो, अच्छे से हो, हेल्दी हो। इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्केरी माहौल बना हुआ है, तो आई विश गुड हेल्थ टू एवरीवन। प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी विद योर फैमिली, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ टाइम, और बी सेफ। अनु, आप क्या बना रहे हो? क्या हो गया रॉन्ग? तो बस बच्चों को बिजी रखने के लिए उनको कभी लेगोज दो, कभी उनको कुछ उनकी जो भी लाइकिंग है उसमें बिजी रखो, ताकि वो टीवी से थोड़ी देर के लिए दूर रहें। अदरवाइज जब बच्चे घर पे होते हैं उनको टीवी और मोबाइल के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे किसी भी एक्टिविटी में, उतना ही वो स्पेंड कम टाइम करेंगे टीवी पर। और यहाँ पे लंच में मैं बना रही थी युवान के लिए डोसा, उसकी फरमाइश पे। ये है इंस्टेंट डोसा जिसमें मैं सूजी और दही से मिक्स करके बहुत जल्दी ये डोसा बन जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड करती हूँ ताकि एक अच्छा सा टेस्ट और बन जाए बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल के थोड़ी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये डोसे जैसे बिल्कुल थिन नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो यहाँ पे मैंने इसका बैटर रेडी कर दिया। इसको 5 to 7 minutes की रेस्ट देने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके यहाँ पे
युवान के लिए रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पैन पे थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब इस बैटर को मैं इस पे फैला दूँगी। आप जितना थिन और थिक लाइक करते हैं उस अकॉर्डिंग इसको फैला लीजिए। और घी में ही मैं बच्चों की मोस्टली चीज़ बनाती हूँ, तो इसको भी मैं घी में ही फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। तो बस इस तरह से बच्चों की विश के अकॉर्डिंग जो वो लाइक करते हैं वो मैं बना देती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। डिनर में वो चपाती राइस प्रॉपर खाते हैं और लंच में तो युवान का टिफ़िन ही जाता है, और जब वो घर पे होता है तो उसको डोसा या इडली ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो प्रेफर करता है इनको खाना। तो मैं उसको ये बना देती हूँ। और ये बहुत क्विक रेसिपी है दोनों ही, जो भी आज सूजी की रेसिपी मैंने शेयर की है, और परफेक्ट हैं छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक। और सूजी की चीज़ें बच्चों को एनीवे बहुत पसंद होती हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर लगा के बच्चों के लिए बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे बन जाता है। तो युवान तो बहुत प्रेफर करता है बटर हर चीज़ में अपनी। We give one to Vivo. Vivo, butter. Good sharing, Yana. No, no jumping on the couch. Gandhi baat. Down. और बस यहाँ पे युवान अपना लंच खुद करेगा। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है जब बच्चों के मनपसंद कोई चीज़ बनाओ तो वो अपने आप खा भी लेते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। और मीनवाइल मैं अपने एक्स्ट्रा काम देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े चेक कर रही थी, वो भी नहीं ड्राई हुए हैं क्योंकि आज सन बिल्कुल नहीं निकला है, तो आज फोल्डिंग का काम डिले हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे वीवो अपने बुक्स के साथ ले कर रहा है और युवान अपना लंच एंजॉय कर रहा है। तो बस बच्चों को ऑक्यूपाई रखने की कोशिश करती हूँ मैं बुक्स में। दोनों को बुक रीडिंग का बहुत शौक है। युवान तो अब काफ़ी चीज़ें खुद रीड करने लग गया है। और मीनवाइल यहाँ पे अब मेरा जो लास्ट लॉट था डिश वॉशिंग में जाने वाला वो लगा रही हूँ, और मेरा डिश वॉशर यहाँ पे फुली लोडेड है अब, और इसको मैं इसके साइकिल पे चला दूँगी अब। और फिर जो भी ये जब फिनिश होगा तब उसके बाद बस इसको अनलोड करेंगे। और यहाँ पे अब युवान को थोड़ी देर राइटिंग ट्रेसिंग जो होती है बुक्स उसके साथ मैं उसकी हेल्प करने वाली हूँ, थोड़ी सी वो राइटिंग करे। तो बस इसी टाइम पे ये जब लास्ट ईयर हम काफ़ी टाइम लॉकडाउन पे रहे हैं तो मैंने उसको काफ़ी चीज़ें ये ट्रेसिंग बुक्स और रीडिंग बुक्स, तो युवान को बहुत अच्छी ये एक कह लो कि हैबिट पड़ गई और शौक पड़ गया था रोज़ राइटिंग करने का, कोई भी चाहे वो न्यूमेरिक्स हैं चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं। और कल युवान का मैं बैग रेडी कर रही हूँ, कल ये स्कूल जाएगा तो उसके लिए मैं अभी से ही थोड़ा उसकी जो भी बुक्स वगैरह हैं जो भी है सब ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी ताकि मॉर्निंग में मुझे इस चीज़ के लिए वरी ना करना पड़े। और अब है शाम का टाइम, बच्चों का मूवी टाइम। तो युवान की फेवरेट मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन जो वो अभी तक आई थिंक 50 टाइम्स देख चुका होगा कम से कम, और वो हर बारी शौक से ही देखता है उस मूवी को। और साथ में पॉपकॉर्न की फरमाइश की है दोनों ने, तो अब पॉपकॉर्न साथ साथ खाएंगे। और यहाँ पे मीनवाइल मैं साथ साथ जो जो भी ये बच्चे अपने टॉयज़ इधर उधर रख देते हैं, खलेरे डाल देते हैं, उनको भी हटाती जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा डिश वॉशर भी कंप्लीट हो गया उसका साइकिल, तो मैं बस डिशेस को ड्राई करके निकाल के उनको एक बारी पहले सारा जो डिश वॉशर है मैं खाली कर लेती हूँ, काउंटर टॉप पे रख लेती हूँ सारी डिशेस अच्छे से वाइप करके। और उसके बाद बस इनको मैं टिकाती हूँ उनकी जगह पे। तो मेरी यही टिप है, तो आप एक एक डिश को लेके मत जाइए डिश वॉशर से, और सारा कुछ पहले स्टैक कर लीजिए अपने बेंच टॉप पे। और जो भी कटलरी है, मेरा कटलरी ड्रॉअर बिल्कुल सामने है, साथ है डिश वॉशर के, तो मैं फटाफट कटलरी साथ के साथ ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और जो भी बाकी के बर्तन हैं उनको मैं बाद में उनकी जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस हैं उन पर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मोस्टली सारी डिशेस अपनी जगह पे रखने के बाद मैं जो भी ड्राइंग मैट होते हैं उनको भी जो अवन की सामने ग्रिल की एक हैंडल होता है वहाँ पे ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, और बेंच टॉप को भी एक बारी वाइप कर देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे अब मेरा जो किचन का काम है वो फुल डन है, और बस बच्चों के साथ मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर अब रेस्ट करने के लिए। तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है,
यही नहीं कि आप सारा टाइम काम में लगे रहिए और बच्चे अपने आप सारा कुछ करते रहें, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए। ये टाइम भी दोबारा नहीं आने वाला है, तो बस ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे तो आपके पास बच्चों के लिए भी टाइम होगा, अपने लिए भी टाइम होगा, और फैमिली टाइम तो प्रायोरिटी है मैं हमेशा बोलूँगी, क्योंकि ये टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और बस यहाँ पे जो पॉपकॉर्न का आप देख सकते हो, यहाँ पे मेस कर दिया इन्होंने, तो बस अब मैं उठ गई हूँ फिर से यहाँ पे वैक्यूम करने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि वीवू नीचे से उठा के भी खा लेता है, तो मुझे फटाफट होता है कि मैं अपना काम, ये अगर कुछ नीचे गिर गया तो मैं उठा के उसको रख दूँ। और यहाँ पे पारुल अपने जॉब से आ गए हैं और आते ही वीवू ने फरमाइश की है कि उसको चॉकलेट खानी है, तो कोई भी कैंडी या चॉकलेट उसको लेनी होती है तो पापा से ही मांगता है वो, क्योंकि मम्मा मना कर देती है। तो आते ही पापा से यहाँ पे फरमाइश हुई है कि मैंने चॉकलेट खानी है, जो हेज़लनट बच्चों की होती है स्प्रेड, वो खा रहा है वीवू यहाँ पे। तो बस, और आज ठंडा मौसम था तो हमने सोचा कि उन्हें आज चाय पी जाए। हाउएवर वी डोंट हैव एनी रूटीन टू ड्रिंक चाय इन द इवनिंग, बट आज बस मौसम की डिमांड पे यहाँ पे चाय भी बन रही है। और यहाँ पे बस चाय बनाने के बाद हम, मेरा ग्रॉसरी का काम 2-3 दिन से पेंडिंग है, क्योंकि युवान सिक चल रहा था तो मैंने उसको घर से बाहर नहीं निकाला बिल्कुल भी। तो बस अब हमारी, इसके बाद मैं सारे हमारे घर का जो है वो टाइडी अप करके पूरा ग्रॉसरी लेने के लिए निकलेंगे। हम सब जा रहे थे इस टाइम पे, तो मेरी एक ये भी एडवाइस है, अगर आप कहीं जा रहे हो अपने घर से शॉपिंग या ग्रॉसरी कुछ भी लेने, तो अपना घर टाइडी अप करके जाइए। जब आप वापस आओगे, घर और किचन अच्छे से टाइडी अप होगी, तो आपका एक तो ये काम नहीं होगा, और दूसरा ग्रॉसरी जो आप लाए हो उसको आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करना ही है, तो अगर ये काम भी पेंडिंग होगा तो ये भी आपको करना पड़ेगा, और ग्रॉसरी भी, तो आपके डबल काम हो जाएंगे। अगर आप ये पहले ही करके जाओगे तो आपके काम कम हो जाएंगे। और बस यहाँ पे अब हम अपनी चाय पी के निकलने वाले थे, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे ही वीडियो को एंड किया जाए, और मैं आपके साथ जो मेरी नाइट रूटीन है उसको शेयर करूँगी इन कमिंग वीडियो। और डिनर में बनाई थी चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप यू लाइक माई व्लॉग गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।